गुड मॉर्निंग नमस्कार सत अस्सलाम वालेकुम सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में और जिसका नाम है एनडीओ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और जहां कहीं भी होंगे हमारे एस के एजुकेशन सेल से सीख रहे होंगे और अपने बिजनेस को एक नई उड़ान दे रहे होंगे और ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को मेरी आवाज आ, आ रही होगी मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी अगर पहुंच रही है तो चैट बॉक्स में यस लिख करके जरूर भेजिएगा, ताकि मुझे ओके दैट्स ग्रेट एक जवाब तो मुझे मिल गया चले कई सारे जवाब आ गए हैं राइट तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वेबिनार को एनडीओ तो कौन मुझे बताएगा कि एनडीओ बेसिकली है क्या एनडीओ किसके लिए है और क्या है मुझे चैट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि ये एनडीओ बेसिकली क्या है जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि एनडीओ का मतलब क्या है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेशन ओके न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेशन है क्या चीज ये है कौन सी प्रेजेंटेशन इसका मतलब क्या है ओके okay. कई सारे लोगों का जवाब आया है दैट्स न्यू डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन जो ये ट्रेनिंग है ये बेसिकली हमारे बेसिक्स को क्लियर करता है कई बार जब हम कोई काम करने जाते हैं अः एस एच पी एल की जानकारी आ, की जानकारी नहीं एस एच पी एल के बिजनेस को कैसे शुरुआत करना है इसकी जानकारी जरूर है इस प्रेजेंटेशन में अः कई बार हम कई काम शुरू करते हैं और मान लीजिए आप आ, आपने पढ़ाई शुरू करी और आपने नर्सरी से ना शुरू करके पांचवी क्लास से शुरू करी तो आपकी नींव बड़ी कमजोर होगी तो बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए ये जो uh, ये जो प्रेजेंटेशन है ये बेसिकली आपके बेसिक्स को क्लियर करती है कि अगर आप पांचवी क्लास से पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो एक बार नर्सरी की पढ़ाई भी जरूरी है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ऑलरेडी इस कंपनी के आ, इस कंपनी में ऑलरेडी उस पांचवी क्लास पे पहुंच गए हैं लेकिन इनमें आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आ, रीसेंट इस बिजनेस को शुरू किया है जल्दी से यस लिख करके भेजें कि आप में से कितने लोगों ने रिसेंटली इस बिजनेस को शुरू किया है मैं इंतजार कर रहा हूं आपके रिप्लाई का चैट बॉक्स में ओके रामचंद्र नायक जी दैट्स ग्रेट यस तो ये ही ये प्रेजेंटेशन सभी के लिए है क्योंकि हम आ, सीखते हैं हम सीख करके अपनी टीम को डिलीवर करते हैं तो जरूरी है कि ये प्रेजेंटेशन जो 40 मिनट है सभी लोग ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को जरूर देखेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके काम आने वाली है तो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल मैं आ, करता रहता हूं तो ये सवाल है मेरा कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसको आगे से पढ़ें और पीछे से पढ़ें एक ही जैसी लगती है मतलब लिखने में जब हम उसको पढ़ते हैं तो आगे से भी पढ़ो तो भी एक ही है और पीछे से भी पढ़ो तो भी एक ही है जल्दी से बताइए कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसको आगे से पढ़ा जाए और पीछे से पढ़ा जाए वो एक जैसे ए, एक जैसे ही उसका प्रोनाउंसिएशन होता है जल्दी से रिप्लाई दीजिएगा चैट बॉक्स में जिसको इसका आंसर पता है जिसको नहीं पता है वो नो लिख सकता है ओके okay, नरेंद्र पात्रा जी नो ओके okay. अच्छा बाकी सारे लोग मेरे ख्याल से सुबह बस लॉग इन कर लिया है अच्छा कई सारे जवाब आ गए ओके okay, सोनी कुमारी जी का नो है ओके दैट्स ग्रेट ऐसी कौन सी भाषा है जब हम उसको आ, उसको बोलते हैं पढ़ते हैं उस भाषा का नाम कटक कटक तो जगह है सर जिन्होंने भी जवाब दिया है कटक तो शहर का नाम है भाषा की बात कर रहा हूं मैं बिल्कुल मैं इंतजार कर रहा हूं अभी भी कोई मुझे जवाब दे चलिए तो मैं इस सवाल का जवाब खुद ही दे देता हूं और वो भाषा है मैं जवाब दे दूं ओके okay, वो भाषा है मलयालम मलयालम को तो आप अगर आगे से पढ़ेंगे मलयालम ही आएगा और उसको पीछे से पढ़ेंगे तो भी उसको प्रोनाशिएशन उसका मलयालम ही आएगा तो राइट आ, इसी के साथ आज की प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है जिसका नाम है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन राइट एब्सोल्युटली मलयालम तो मैं प्रेजेंटेशन अपनी शेयर करता हूं So that हम लोग देख पाए तो क्या प्रेजेंटेशन विजिबल है आप सभी को राइट right. तो आज ट्यूसडे मंगलवार का दिन है तेईस अप्रैल और जहां पर हम Uh, जुड़े हैं हमारे एनडीओ के लिए न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम और एक बहुत अच्छी कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया राइट right? आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए इसीलिए ये प्रेजेंटेशन को तैयार किया है कि आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए तो आपकी जो शुरुआत है वो अच्छी होगी और शुरुआत अच्छी होगी तो आपका काम आधा वैसे ही पूरा हो गया तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन मिशन गो डायमंड के इस प्रेजेंटेशन में अब बात आती है कि चलो शुरुआत तो कर लें बट कहां से शुरू करें बिजनेस में तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया बट अब मैं शुरू क्या करूं क्या करना है इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है ये सारी चीजों के सवाल इस प्रेजेंटेशन में आपको जरूर कुछ हद तक मिलेंगे राइट right. सो so, इसको शुरू कैसे करना है इसके लिए हमारे बेसिक्स बहुत ज्यादा सही होने चाहिए और बेसिक्स कैसे सही होंगे जब तक आप अपने आप को एजुकेट नहीं करते रहेंगे वो भी कैसे एक स्टूडेंट के तरीके से राइट right. आप बिल्कुल एक विद्यार्थी की तरीके से यहां पर बैठेगा सीखने की कोशिश करिएगा क्योंकि यही आपकी सफलता का राज है इस बिजनेस में क्योंकि नीव नींव अगर मजबूत होगी तो मीनार या मकान या पेड़ कोई भी चीज बहुत मजबूती से खड़ा रहेगा अपने जगह पे जब आप किसी चीज की शुरुआत करेंगे तो हर चीज आपसे ही स्टार्ट होती है तो मैं चाहूंगा कि आप 40 मिनट जो है वो बहुत अच्छे से और ध्यान से इस प्रेजेंटेशन पर जरूर दीजिएगा मोटिवेशन इज व्हाट मोटिवेशन क्या होता है मोटिवेशन uh, वो है कि बेसिकली जो आपको स्टार्ट करने में मदद करता है बट जो आदतें हैं वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करती हैं तो हमें अपनी आदतों पे और काम करना चाहिए आज हमने 11 बजे भी सेशन uh, शुरू किया और हम 8 बजे भी सेशन करते हैं जूम का और हमारी कई लोग की आदत है कि 11 बजे नहीं लॉग करते हैं लेकिन आठ बजे कई सारे लोग लॉग करते हैं दोनों टाइम पे हम आपको कोशिश करते हैं कुछ अच्छा सा मैटर ला करके दे कुछ अच्छा सा प्रेजेंटेशन आपको ला करके दे और ये सब कुछ आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करे तो हमारी कोशिश यही है कि आपकी आदत को और बेहतर करें और मोटिवेशन तो खैर हम सभी को मिल जाता है मोटिवेशन बेसिकली 24 से 48 घंटे हमारे दिमाग में रहता है लेकिन उसके बाद हमारी आदतें ही हैं जो हमें आगे लेकर के जाती हैं तो हमें अपनी आदतों पे बहुत बेहतर तरीके से काम करना चाहिए तो चलिए हम सब एक छोटे से बच्चे की तरह लर्निंग मोड में आ जाते हैं और आगे सीखते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में क्या है। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए दस चेकलिस्ट जरूर तैयार किए हैं इस बिजनेस को पूरा समझने के लिए कि ये कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें चेक करनी है जहां पर हम इस बिजनेस में काम करते समय बिल्कुल ध्यान से करेंगे तो पहली चीज तो यह है कि आपने अपने आप को रजिस्टर करना है विद अपने स्पॉन्सर के कोड से डब्ल्यू से जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका कोई पैसा नहीं लगता आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं दूसरा है कि अपने चॉइस के प्रोडक्ट को ऑर्डर करें यहां पर आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीद करके लेकिन अगर आपको पहली बार इंसेंटिव लेना है तो 500 पर्सनल बीवी आपके जरूर होने चाहिए तो बेहतर है कि हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के उनको इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप जब किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं और जब उसका आपको फायदा होता है तो आपका विश्वास और बढ़ता है तो इसलिए सबसे पहले प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए आप पांच बीवी के प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और अपनी आईडी को आगे बढ़ाना शुरू करें इसके साथ में अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स और अपनी केवाईसी को भी कंप्लीट करें अपने वेबसाइट के द्वारा अपने मोबाइल ऐप के द्वारा क्यों क्योंकि कई बार ये शिकायतें आती हैं कि सर हमने हमारा इंसेंटिव हमारा कमीशन बनाया बट मेरे अकाउंट में नहीं आया है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी होता है कि आपके अकाउंट डिटेल सही से नहीं डले होते हैं कई बार अकाउंट तो सही है बट आई कोड सही नहीं है कई बार नाम मैच नहीं करता है तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से भरनी है जहां पर ये तीसरा चेकलिस्ट नंबर है चौथा चेकलिस्ट नंबर कहता है कि आपको जिस बिजनेस को आप कर रहे हो उसके एथिक्स क्या है उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या है ये सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स ये आपके चेकलिस्ट नंबर चार है चेकलिस्ट नंबर पांच कहता है कि आप साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल टू जीरो टू भी आप जरूर पढ़ें इस बिजनेस को शुरू करते समय कि आपके प्रोटेक्शन के क्या क्या रूल्स हैं इसको जरूर पढ़ें राइट चेकलिस्ट नंबर सिक्स है कि आपका आईडी कार्ड अब आप आईडी कार्ड यहां पर बना सकते हैं अपनी फोटो के साथ उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और जब आप आईडी कार्ड बना करके लेकर के जब आप लोगों से मिलते हैं तो उसका प्रभाव एक अलग ही पड़ता है आईडी कार्ड आपका आइडेंटिफिकेशन बताता है और इस आइडेंटिफिकेशन से लोग आपको पहचानते हैं और एक प्रोफेशनल की तरह आपको ट्रीट करते हैं चेकलिस्ट नंबर सेवन Uh, ये ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप एस के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब करें जैसे कि यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब्सक्राइब करने से आपका क्या फायदा होगा आपका ये फायदा होगा कि एस में कुछ भी नया होता है वो आपको सबसे पहले पता चलेगा इस सोशल मीडिया के माध्यम से ओके okay, आज की तारीख में हर कुछ सोशल मीडिया में अवेलेबल है अगर एस एच पी एल में कोई ऑफर आता है एस एच पी एल में कोई प्रोडक्ट आता है एस एच पी एल में कोई इवेंट आ रहा है ये हर चीज हमारे यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपलोड होती है तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको भी ये खबर सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचेगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस सोशल मीडिया हैंडल को सब्सक्राइब किया होगा अगर किया है तो यस लिख करके चैट बॉक्स में भेजिए अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो यस लिख करके चैट बॉक्स में भेजिए मैं जल्दी से आपका इंतजार कर रहा हूं आपके चैट्स का इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं कि अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो यस लिखिएगा नहीं किया है तो जल्दी से सरुशी हब्स को आप सब्सक्राइब करें और अपने बिजनेस में आप खबरें बहुत जल्दी लें इसके अलावा आज की तारीख में व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो भी बहुत मदद करता है हमें इंफॉर्मेशन लेने में तो अपने टीम लीडर के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर आ, आ, ज्वाइन करें जरूर उस लिस्ट में रहें चेकलिस्ट नंबर नाइन है कि जूम ऐप को अपने मोबाइल पे डाउनलोड करें जिन्होंने नहीं किया हुआ है आपके जो लोग नए गेस्ट आते हैं उनको सबसे पहले ये बोलिए कि जूम ऐप को भी डाउनलोड करें और एस एस पी एल जूम एजुकेशन को हमेशा जो टाइम है वो कैलेंडर है वो आपको उस वेबसाइट पे मिल जाता है और अपने स्केड्यूल को उस तरीके से तैयार करें डाउनलोड एस एच पी एल प्राइस लिस्ट और एस एच पी एल कंपनसेशन प्लान आप यहां पर सभी लोग पैसा कमाने आए हैं और पैसा कमाने के लिए यहाँ पर पैसा कैसे आएगा वो हमारे कंपनसेशन प्लान यानी कि बिजनेस प्लान में दिया होता है तो उसको भी जरूर डाउनलोड करें और साथ साथ में हमारे प्रोडक्ट्स की क्या प्राइस है ये भी आपको एस एच पी एल प्राइस लिस्ट में वेबसाइट पे अवेलेबल है जो आपको मिल जाएगी तो ये दस चीजें हैं जो बेसिकली चेकलिस्ट है आपको इस बिजनेस में बिजनेस शुरू करने के समय तो ये चेकलिस्ट मेरे ख्याल से आप अगर नहीं फॉलो करते हैं तो आप भी फॉलो करें और जितने लोग नए आ रहे हैं उनको भी फॉलो जरूर कराएं तो ये आप भी लिख लीजिएगा मेक ए नोट ऑफ इट ताकि आपको आसानी हो ये लोगों को बताने में क्योंकि इसी से सिस्टम क्रिएट होता है और सिस्टम को फॉलो करने से क्या होता है सिस्टम का मतलब ही है कि आपके टाइम को बचाता है एनर्जी को बचाता है और पैसे को बचाता है सिस्टम का मतलब है सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी तो आपके टाइम को और एनर्जी को और मनी को अगर बचाना है तो ये सिस्टम क्योंकि आज की दुनिया में कुछ भी अगर सही तरीके से चल रहा है एक ट्रेन भी चलती है एक बस भी चलती है तो सिस्टम के माध्यम से चलती है तो उम्मीद करता हूं कि इस सिस्टम को फॉलो करेंगे और उस सिस्टम के साथ हमारे सात स्टेप है जो प्रोसेस है इस सिस्टम uh, का वो सेवन स्टेप प्रोसेस है इस बिजनेस का वो जरूर हम सीखेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या है वो क्या है वो हम देखते हैं सबसे पहला है फाइनेंशियल गोल्स आपके सपने क्या हैं वो आपका एक यहाँ पे एक, आपने खास वर्ड देखा है वो है पावरफुल पावरफुल ड्रीम पावरफुल गोल तो पावरफुल का मतलब क्या होता है तो मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा क्या आप लोगों के खुद के एक पावरफुल सपने हैं तो जरूर चैट बॉक्स में अपना सपना अपना गोल लिख करके भेजेगा मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप लोगों का गोल क्या है जितने लोग भी यहाँ पर इस सेशन को सुन रहे हैं मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगा कि उनका गोल क्या है वो जरूर बताएं मैं आपके चैट बॉक्स पे आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं कि आपका गोल क्या है एस में वो जरूर बताएं जल्दी से अपना गोल लिख करके लिख भेजिए तो हिमांगरी आ, कहते हैं कि इंडिपेंडेंट लाइफ ओके दैट्स ग्रेट आजादी भरी लाइफ ओके फिनेंशियल फ्रीडम रतन सरदार जी कहते हैं फिनेंशियल फ्रीडम उनको चाहिए उनका गोल ये है कि उनका फाइनेंशियल फ्रीडम है ओके okay. अच्छा दो लोगों का गोल है बाकी लोगों का गोल सेट नहीं है ड्रीम सेट नहीं है मेरा सवाल सिर्फ सिंपल सा है कि आप लोगों का सपना क्या है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दैट्स ग्रेट सेल्फ डिपेंडेंट बहुत अच्छी बात है खुद पे डिपेंड रहूंगा मैं या रहूंगी ओके फ्रीडम लाइफस्टाइल ब्रांड एम्बेडर ऑफ एस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके okay. तो सबके अलग अलग सपने हैं और सपने कैसे पूरे होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप एस में क्यों हैं इसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या इसके अलावा और भी कोई माध्यम है जिससे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि दुनिया में लोग कैसे पैसे कमाते हैं ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर पाए अपनी फिनेंशियल फ्रीडम को पा पाएं या एस एच पी एल में ब्रांड एम्बेसडर बन पाए या सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए उसके लिए चार तरीके हैं और वो चार तरीके क्या कहते हैं किस तरीके से हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं तो रॉबर्ट की बताया है कि दुनिया में लोग चार तरीके से पैसा कमाते हैं और आप सभी को ये तरीके मेरे ख्याल से पता होंगे सबसे पहला तरीका है ई e, यानी कि एम्प्लॉय जो कि एक तरीके से हम नौकरी करते हैं और नौकरी करके हम टाइम के हिसाब से पैसा कमाते हैं दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से होते हैं जैसे डॉक्टर हैं वकील हैं और इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये जब तक काम करेंगे तब तक इनको पैसा आएगा जब ये काम छोड़ देंगे इनको पैसा नहीं आएगा तो इनका काम फिक्स है एम्प्लॉय के पास फिक्स घंटे हैं और उसको ज्यादा कमाना है तो उन घंटों से ज्यादा काम करना पड़ेगा सेल्फ एम्प्लॉयड के पास भी उतने ही घंटे हैं ज्यादा काम करेंगे ज्यादा कमाएंगे जब ये काम नहीं करेंगे तो ये नहीं कमाएंगे तीसरा तरीका है बिजनेस ओनर जो लोग बिजनेस करते हैं अपनी बड़ी दुकान खोल ली बड़ी शोरूम खोल लिया उस बिजनेस से अपने आ, अपनी कमाई करते हैं और चौथा है जो कि इन्वेस्ट करते हैं जिनके बाद अथाह पैसा है और वो दूसरों को अपना पैसा देते हैं इन्वेस्ट करते हैं दूसरों की कंपनीज में दूसरों की प्रॉपर्टीज में जहां पर उनसे वो अपना कमीशन या अपना परसेंटेज लेते हैं तो यहां पर चार तरीके हैं और इसमें एक तरीका है बिजनेस करने का लेकिन अब बिजनेस करने जाएंगे किसी को शोरूम खोलना है या किसी को कोई शॉप भी खोलनी है तो आज उस बिजनेस में उस बिजनेस को खोलने के लिए पहले तो बहुत बड़ी पूंजी चाहिए और अगर वो पूंजी हमने लगा दी और पूंजी लगाने के बाद हमें बिजनेस चलाने के लिए वो दिमाग चाहिए साथ में बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिस्क भी हमें उठाने पड़ेंगे और उम्मीद यही रहती है कि क्या पता वो बिजनेस चल जाए होता है कि चल जाएगा वो क्या पता बिजनेस ना भी चले तो दोनों चीजें दिमाग में रहती हैं इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ एक रिस्क भी बड़ा आता है तो अब ऐसा क्या काम करें कि कम रिस्क में हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए तो उसके लिए आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं जिसका नाम है एस एच पी एल जहां पे आप बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट से आप अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं आप एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन सकते हैं तो आप जानते हैं कि आप ये एस एच पी एल किसका है मुझे जल्दी से जवाब दीजिए एस एच पी एल किसका है मिस्टर गोपाल कुंडू सर का है या किसका है जल्दी से ये जवाब दीजिए कि ये बिजनेस किसका है इस बिजनेस का ओनर कौन है जल्दी से मैं चैट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूं आपके चैट्स का कि आप बताएंगे मुझे कि ये बिजनेस किसका है ओके दैट्स ग्रेट हम सब का ओके okay. मेरा है ओके okay. जल्दी से बताइए बिजनेस किसका है अगर आप सोचते हैं कि ये बिजनेस आपका है ये कंपनी आपकी है तो मैंने कहा ना वेल बिगन इज हाफ डन वो आपका आधी वो जो अच्छी शुरुआत है वो आधा काम आपका वैसे ही हो गया आपका ये खुद का बिजनेस है अब आपको सोचना है कि आपके इस खुद के बिजनेस को आपको कैसे आगे बढ़ाना है राइट ये एक बहुत ही बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो आपको समझना है कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने एटीट्यूड को बदलना बहुत जरूरी है इस एटीट्यूड को बदलने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि बिजनेस का मालिक मैं हूं ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे मेरे हैं मैं ये मेरी शॉप है ये मेरा आउटलेट है ये मेरी कंपनी है जब आप ये सोचना शुरू करेंगे फिर आपके दिमाग में आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे कि इस बिजनेस को मुझे आगे कैसे बढ़ाना है तो सबसे पहले सीईओ हैं. आपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है और इस बिजनेस को आगे लेकर के जाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट एक्स्ट्रा कैश सेलिंग मतलब आप प्रोडक्ट को सेल करना ही सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है ये आपके वेल्थ को बढ़ाने का भी काम करता है कैसे अपनी टीम को बढ़ाने के लिए टीम को बनाने के लिए टीम को बनाने के साथ तो अपनी टीम को आपको आगे आगे बनाना है नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सख्त सफल होना चाहते हैं तो यहां पर एक जब गोल की बात कर रहे थे तो टारगेट की बात कर रहे थे तो यहां पर एक बात आती है कि टारगेट कैसा होना चाहिए और कितने तरीके के गोल्स होते हैं देखिए गोल दो तरीके के होते हैं एक होता है लॉन्ग टर्म गोल एक होता है शॉर्ट टर्म गोल और गोल में कैसे बनता है उस गोल को चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो उसको बनाते कैसे स्मार्ट के तरीके से स्मार्ट का मतलब क्या है कि गोल आपका बिल्कुल स्पेसिफिक परफेक्ट होना चाहिए कि मुझे यही करना है मेजरेबल यानी कि ये कैसे मेजरमेंट इसका होगा कि कितने टाइम में आप बनाओगे अचीवेबल अचीवेबल मतलब ये आप अचीव कर सकते हो और रियलिस्टिक ये रियल गोल है आपका रियलिस्टिक है ये नहीं कि मैं आज चांद पे घर बनाऊंगा ऐसा गोल नहीं है और राइट और चौथा पांचवा है टाइम बाउंड यानी कितने समय तक ये मैं गोल पूरा करूंगा तो अब मेरा सवाल आप लोगों से है यहाँ पर आ, मेरा सवाल आप लोगों से स्मार्ट का मतलब आप समझ गए हैं स्पेसिफिक मेजरेबल Achievable, realistic और time bound। तो अब इस गोल को देखते हुए आप अपने गोल को लिखेंगे कि मेरा गोल क्या है आप सभी लोग चैटबॉक्स में अपने गोल को जरूर मैंशन करेंगे लिखेंगे ताकि मैं समझ पाऊं कि आपका गोल स्मार्ट है या नहीं है तो अभी अगर नहीं है तो हम स्मार्ट गोल बनाएंगे और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल को हम उसके बाद डिफाइन करेंगे तो जल्दी से मुझे अपने गोल के बारे में बताइए जी मैं आपके चैट बॉक्स में आपके गोल का इंतजार कर रहा हूं कि स्मार्ट गोल आपका क्या है जल्दी से लिखेगा आप सभी ने अपने गोल बनाए होंगे तो जल्दी से मुझे लिख करके भेजिए कि आपका गोल क्या है मैं वेट कर रहा हूं आपका चैट बॉक्स पे मेरी आवाज आप सभी तक आ रही होगी ओके okay, अभी किसी का मैं मैसेज का वेट कर रहा हूं आप सभी का जल्दी से मुझे बताइए कि स्मार्ट गोल क्या है आपका गोल क्या है मैं सिर्फ आपके गोल की बात कर रहा हूं अभी कईयों ने लिखा था फाइनेंशियल फ्रीडम सेल्फ डिपेंडेंट लेकिन आपका गोल क्या है ड्रीम हाउस रतन जी का गोल है ओके okay. सपनों का घर दैट्स ग्रेट तो अभी रतन जी को ही लेके चलते हैं क्या ये स्मार्ट गोल है क्या ये स्मार्ट गोल है मैंने कहा ना वेल बिगन इज हाफ डन अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो आपका आधा काम वैसे ही हो गया तो स्मार्ट गोल बनाना भी आपकी शुरुआत का हिस्सा है ओके ड्रीम हाउस रामचंद्र प्रधान जी का इनबॉक्स में मैसेज आया है ड्रीम हाउस ओके जल्दी से मुझे बताइएगा कि आपका गोल क्या है तो चलिए वक्त और नहीं लेता हूं मैं खुद ही बताता हूं कि गोल कैसा होना चाहिए हेल्दी बैंक बैलेंस ओके लग्जरी कार राइट स्मार्ट गोल क्या होता है स्पेसिफिक लग्जरी कार लेकिन कौन सी कंपनी की कार वो स्पेसिफिक हुआ मुझे ऑडी लेनी है स्पेसिफिक मुझे रेड कलर की ऑडी क्यू थ्री लेनी है ये आपका स्पेसिफिक हो गया कि आपको ये ऑडी लेनी है स्पेसिफिकली लाल रंग की और Q3 लेनी है ये मेजरेबल की मैं कितने टाइम तक लूंगा मुझे ये ऑडी Q3 थ्री रेड कलर की कितने टाइम तक लूंगा राइट ये बिल्कुल आपका रीजनेबल है मेजरेबल है और मेरा टाइम बाउंड यानी कि मैं कितने टाइम तक आज से छह महीने के बाद वो ऑडी मेरे पास होगी तो आपको अगर ऐसे गोल बनाना है तो आपका ये गोल जो है मैंने कहा वो वेल well बिगन रहेगा और आपका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो आपको हमेशा अपने गोल को स्मार्ट में बांटना है स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक टाइम बाउंड और आपने गोल को अगर नहीं लिखा है तो आज ही लिखेगा यकीन मानिएगा मेरा ट्रस्ट करिए मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है कि जिन्होंने अपने गोल को स्मार्ट में डिवाइड किया है उनका गोल बहुत जल्दी पूरा हुआ है तो आ, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने गोल को स्मार्ट में डिवाइड करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और स्मार्ट गोल की बात कर ली हमने आगे बढ़ते हैं अब स्मार्ट गोल पूरा कैसे होगा उसके लिए हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट चाहिए और प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनती है और कौन कौन इसमें होता है और कितने लोग होने चाहिए तो इसका जवाब तो मुझे आप लोग देने वाले हो आपके लिस्ट में कितने लोग होने चाहिए जल्दी से मुझे बताइए मैं आप ही लोगों से सवाल पूछ रहा हूं और आप ही लोगों से सीख करके मैंने ट्रेनिंग सीखी है तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों से ही एक बार बात करके ये पूछूं कि एस एच पी एल में अगर आप आ रहे हो तो आपकी लिस्ट कितने लोगों की होनी चाहिए जल्दी से इनबॉक्स पे मैसेज करके भेजिए कि कितने लोगों की लिस्ट होनी चाहिए मिनिमम 500 ओके दैट्स ग्रेट बहुत बढ़िया ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा यानी कितना ज्यादा से ज्यादा मतलब एक लाख लोग दस लाख लोग पचास लाख लोग फिर मेरा ये स्मार्ट से मेरा वो हट रहा है अनलिमिटेड ओके okay. मैं स्मार्ट गोल से फिर हट रहा हूं दो हजार लोग ओके दे आर ओ दैट्स ग्रेट रतन सदार जी दो हजार लोग आपके लिस्ट में हैं, दैट्स वेरी ग्रेट ओके तो आप लिस्ट की बात करें तो लिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप uh, है हमारे इस बिजनेस में सफल होने के लिए अब अगर मेरे लिस्ट में मान लीजिए 200 लोग भी हैं और मैं उन लोगों से ही मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता हूं अगर मैंने लिस्ट सही से बनाई है लिस्ट बनाते समय मुझे बहुत सारी चीजों का ध्यान देना है राइट right? क्या क्या चीजों का ध्यान देना है इसको जरूर समझिएगा पहले तो लिस्ट को हम डिवाइड करते हैं हॉट वार्म कोल्ड में अब मुझे जल्दी से आप बताइए कि हॉट में कौन कौन होता है हॉट का मतलब क्या होता है क्योंकि आप लोगों ने लिस्ट बनाई होगी और मुझे उससे आइडिया लगेगा कि वो लिस्ट कैसी है तो हॉट का मतलब क्या होता है कि हॉट लिस्ट में कौन है वार्म की लिस्ट में कौन है कोल्ड की लिस्ट में कौन है फ्रेश की लिस्ट में कौन है तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं पहला सवाल है कि हॉट लिस्टिंग में कौन होता है आप सभी लोग यहाँ पर क्लोज रिलेटिव <coughs> जो एक्टिव हो वो हॉट है ओके okay. राइट right. जो एक्टिव है वो हॉट है दैट क्लोज रिलेटिव ओके कोई और जवाब भी देना चाहेगा प्लीज जल्दी से इनबॉक्स में जवाब दीजिए इनबॉक्स में मैं आपके मैसेज का जवाब का रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूं ताकि आपके जो लिस्ट है उसका आइडिया लग जाए मुझे हॉट लिस्ट में कौन कौन होना चाहिए क्लोज रिलेटिव ओके जी मैं और भी इंतजार कर रहा हूं जवाब का जल्दी से जवाब दीजिएगा यहां पे दो ही लोगों ने जवाब दिया है और बाकी लोग हां रतन फ्रेंड लोग ओके दैट्स ग्रेट नेबर्स बहुत बढ़िया न्याज हकीम जी को मैं देख पा रहा हूँ पूनम जी को मैं देख पा रहा हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ चार टाइप्स के लिस्ट होना चाहिए ओके प्यारी लाल जी ओके दैट्स गुड हॉट लिस्ट में कैसे लोग होने चाहिए हॉट लिस्ट में फैमिली एंड फ्रेंड्स ओके थैंक यू uh, बाकी लोग भी जल्दी से मुझे बताएं अः uh, जी शिवानंद कुमार जिनको मैं देख पा रहा हूं नरेंद्र जी जल्दी से मुझे बताएं कि आपकी हॉट लिस्ट कैसी होनी चाहिए हॉट लिस्ट की अगर बात करूं मैं राइट हॉट का मतलब है ऐसे लोग आपके इस लिस्ट में होने चाहिए जो आपकी बात पर यकीन करते हो वो ऐसे लोग होने चाहिए जो जिनको आप इस बिजनेस के बारे में बताओगे वो तुरंत आपकी बात पे यकीन करेंगे और इस बिजनेस के प्लान को देखेंगे समझेंगे और काम करना शुरू करेंगे उसको कहते हैं वो हॉट लिस्ट पे होना होना चाहिए जरूरी नहीं है कि वो रिलेटिव हो कई रिलेटिव तो हम पे विश्वास ही नहीं करते और इवन हमारे 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 साथ नहीं काम करना चाहते हमें आगे बढ़ बढ़ते देखना ही नहीं चाहते आप उनके पास जाओगे वो हजार बातें और उल्टी बोल देंगे ताकि आप और नेगेटिव हो जाओ आप इस बिजनेस को ना करो तो मुझे मेरी लिस्ट बहुत ध्यान से बनानी है कि जो ऐसे व्यक्ति मेरी बातों पर यकीन करते हैं उनको मैं हॉट लिस्ट में डालूंगा राइट जिनको मैं एक बार में बोलूंगा कि हां मैं एस एच पी एल का बिजनेस कर रहा हूं तुम्हें करोगे हां मैं भी करूंगा क्योंकि तुम कर रहे हो राइट एब्सोल्यूटली तो वो लिस्ट में होने चाहिए अब वॉम में कौन होगा वॉम में कौन होगा हॉट ट कोल्ड वॉम में कौन होगा मैं इंतजार कर रहा हूं आपकी वॉम लिस्ट का जल्दी से जवाब दीजिए मैं इंतजार कर रहा हूं जिसका सबसे पहला जवाब आएगा उसको इनाम भी मिलेगा इंतजार हो रहा है आपके जवाब का कि वॉम लिस्ट ओके okay. Warm में रिलेटिव लोग जो करेंगे बट थोड़ी देर में जो फिफ्टी परसेंट हमारा ऊपर बिलीव करते हैं अच्छा पचास परसेंट बिलीव करते हैं ओके 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 जो जुड़ के काम नहीं करते ओके, 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 पांच सौ की लिस्ट ही अच्छा अभी मैंने वॉर्म की बात करी है कि वॉर्म में कौन होगा तो बहुत सारे जवाब तो आ रहे हैं बट मैं जवाब खुद ही दे देता हूं क्योंकि वॉर्म में वो होगा जो आपके दोस्त का दोस्त है जो आपको जानता तो है बट किसी के माध्यम से जानता है आपको पहचानता है वो आपकी बात सुनेगा बट शायद आप पे विश्वास नहीं करता है लेकिन वो आपको जानता है वो वॉर्म लिस्ट में है तो लिस्ट में कई बार कई बार ऐसे होते हैं जैसे मैं आ, किसी बाबर शॉप में गया वो मेरी वॉम लिस्ट में मुझे जानता है बट मुझे इतना यकीन नहीं करता बट मैं उसके यहां जाता हूं राइट मेरे दोस्त का दोस्त है वो मैं उससे मिला था अपने दोस्त के माध्यम से तो वो मेरी वार्म लिस्ट में है राइट ऐसे लोग जो मुझ पर विश्वास तो नहीं करते हैं बट मैं मुझे किसी माध्यम से जानते हैं राइट चाहे मेरा लैंडलॉर्ड हो चाहे मेरा कोई और हो जो मुझे किसी माध्यम से जानता हो राइट वो मेरे लिस्ट में होता है कोल्ड लिस्ट में कौन होगा करूंगा आपके दो के लिस्ट में अगर आप उसको सही से डिवाइड कर लोगे तो आपका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा राइट right? तो कोल्ड लिस्ट में कौन होगा जल्दी से आपके जवाब का इंतजार है कोल्ड लिस्ट में कौन होगा मुझे जवाब मिल चुका था वैसे बट जो आपकी बात मानते हैं वही कोल्ड है ओके कोल्ड कोल्ड लिस्ट में कौन होगा जल्दी से जल्दी से जवाब दीजिए मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का कि कोल्ड लिस्ट में कौन होगा जिसका सही जवाब होगा उसको इनाम भी मिलेगा तो कई लोग टाइप कर रहे हैं जो नेगेटिव पर्सन हो वो कोल्ड में होगा ओके okay. मुझे कैसे पता होगा लिस्ट बनाते समय कि वो नेगेटिव है नहीं पता होगा कोल्ड में जो पच्चीस परसेंट हमारे ऊपर बिलीव अच्छा परसेंटेज नया लोग एब्सोल्युटली नया लोग होता है ओके okay. जो हमारे टाइम में जो कदर होगा टीम में जो कदर होगा स्ट्रेंजर ओके न्यू पर्सन ओके राइट तो कोल्ड लिस्ट में कौन होगा आप लोगों ने खुद ही लिख दिया है बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने इस बिजनेस को छोड़ दिया है या जिन्होंने बिल्कुल स्ट्रेंजर है या जिनको मैं बहुत ही कम मिला हूं बहुत कम जानता हूं आ, शायद कभी बात नहीं हुई है जूस जहां से पिया था मैंने उस जूस वाले की बात करू जहा रेस्टोर में खाने का आया था वो मेरी कोल्ड लिस्ट में है तो ऐसे लोग मेरी कोल्ड लिस्ट में आएंगे राइट जो मुझे जानते हैं मैं उनको जानता हूं लेकिन आज तक बात नहीं हुई है राइट right? तो वो लोग कोल्ड लिस्ट में आएंगे और फ्रेश लिस्ट जिनको बिल्कुल स्ट्रेंजर्स है जिनको मैं जानता ही नहीं हूं वो फ्रेश मार्केट की लिस्ट हो जाती है राइट right? तो हॉट वॉर्म कोल्ड को हम डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से जैसे बताया गया है और मेरे ख्याल से अब आप लोग कर ही लेंगे क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं और आप लोगों ने करा भी होगा लेकिन इस लिस्ट पे थोड़ा सा और काम करके इसको और बेहतर बना लेते हैं अगर आपने बनाई है और इसको और बेहतर बना सकते हैं जैसे कि हमने अभी आज बात करी राइट right. तो आगे बढ़ते हैं स्टेप थ्री मेक इनविटेशन अब इनविटेशन देना भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है लिस्ट डिवाइड क्यों करिए हॉट वॉर्म कोल्ड फ्रेश में ताकि हम उसको इनवाइट उस तरीके से करेंगे राइट right, इनवाइट करने के बहुत सारे तरीके हैं आप फोन पे जाकर के इनवाइट करते हो आप मिल करके इनवाइट करते हो आप किसी भी तरीके से कई तरीके से आप इनवाइट करते हो सोशल मीडिया की तरफ से इनवाइट करते हो तो इनवाइट करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन इनवाइट करने का तरीका एक ही है प्रॉब्लम कहां पर है कि इनवाइट करने के तरीके बहुत से हैं बट इनवाइट करने का तरीका एक ही है कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है आप मेरे साथ चलो और इस बिजनेस में आकर के मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूं आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हो तो जल्दी से इस बिजनेस को देखो और समझो और अगर समझ में आए तो मेरे साथ इस बिजनेस में काम शुरू कर देना मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों का इन्विटेशन का तरीका यही होता है राइट right? सही है या गलत है यस और नो इनविटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं और इन्विटेशन uh, uh, लेकिन uh, करते हैं हम एक तरीके से हैं आप में से कितने लोगों को आलू की सब्जी पसंद है चलो मैं एक सवाल को और अच्छा कर देता तो, हूं कितने लोगों को नॉन वेज पसंद है कितने लोगों को नॉनवेज पसंद है बहुत कम लोग होंगे कितने लोग को वेज पसंद है उन वो भी कुछ लोग होंगे राइट कितने लोग को दोनों पसंद है वो भी कुछ लोग होंगे तो हर एक इंसान की पसंद अलग अलग है जब उसकी च्वाइस अलग है उसका पहनने का ढंग अलग है उसका बात करने का ढंग अलग है और जब उसकी पसंद अलग अलग है तो मैं उसको एक ही चीज बताऊंगा कि तुम अपने बिजनेस बिजनेस मेरे आओ अपने सपने पूरे कर लोगे और हर एक इंसान से एक ही तरीके से इनवाइट करूंगा तो शायद वो उसको हिट ना करे शायद वो उसको क्लिक ना करे तो जब मैंने लिस्ट बना ली लिस्ट को मैंने डिवाइड कर लिया अब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है उनको इन्वाइट करना वो बहुत जरूरी है और उसके लिए मुझे पहचानना पड़ेगा कि वो इंसान की पसंद क्या है क्योंकि तो एक बड़ी अच्छी कहावत है स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल लोगों को लोगों की भाषा में समझाना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है लोगों को लोगों की भाषा में बोलना या समझाना ये मतलब नहीं है कि जिसको बंगाली आती है उसको मैं बंगाली भाषा में बोलूंगा इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसको मराठी आती है उसको मराठी भाषा में बोलूंगा इसका मतलब यह है कि जो लोग जो पसंद करते हैं अगर मैं उसी बात को लेकर के उनसे बात करूंगा तो उनके समझने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको घूमना फिरना बहुत पसंद है उनको नहीं मतलब है पैसे कमाने से उनको नहीं मतलब है बड़े घर से उनको नहीं मतलब है बड़ी कार से उनको घूमना है अपनी जिंदगी में भाई मेरे को ट्रेवल करना है घूमना है फिरना है तो अगर मैं उनको ये बोलूं कि ये बिजनेस ऐसा है कि जिसमें आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा और घूमते फिरते आप पैसे भी कमा लोगे तो बड़ा खुश होकर के इस बिजनेस में काम करना शुरू करेगा अब कोई ऐसा है जिसको घूमना फिरना पसंद नहीं है वो ऐसा बंदा है जिसको डेटा चाहिए किताबी चीजें चाहिए उसको चाहिए कि भैया ये सर्टिफिकेट होना चाहिए जहाँ पे मैं बिजनेस करूंगा इस कंपनी के पास ये होना चाहिए कंपनी इतनी पुरानी होनी चाहिए कंपनी के पास ये सारा ये सारे प्रोडक्ट होने चाहिए तो अब उसको मैं बोलूंगा कि यहाँ पे घूमना फिरना बड़ा अच्छा होता है आप घूमते फिरते रहोगे पैसे कमा लोगे तो वो मेरे साथ बिजनेस में नहीं आएगा उसको मुझे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स, अपनी कंपनी के सर्टिफिकेट्स अपनी कंपनी के सारे पॉइंट्स बताने होंगे दिखाने होंगे समझाने होंगे तब जाके वो मेरी इस बिजनेस पे आएगा। राइट? तो दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं और उनसे अगर हम एक ही तरीके से इनविटेशन करेंगे तो वो मेरे साथ शायद नहीं आएंगे बिजनेस करने के लिए तो अपनी लिस्ट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन 200 में से अगर मैं लिस्ट सही से बना लू तो मैं यकीन मानेगा सौ लोग आपके साथ बिजनेस में होंगे और अब सौ लोग जब आपके साथ दिल से बिजनेस में जुड़ जाएंगे आप कितनी जल्दी इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे आप खुद भी सोच सकते हैं राइट तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस बिजनेस का है वो लिस्ट सही से बनाना साइंटिफिकली बनाना राइट जब लिस्ट सही से बन जाए तो आप समझ जाइएगा कि हाँ आपका बिजनेस जो है है वो सफल हो चुका है, राइट तो चलिए मेक ए इन्विटेशन लिस्ट अब उनको आप इनवाइट करेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन अब उसके बाद रूल ऑफ थ्री स्टेप चार है कि शो द प्लान शो द प्लान वो किस तरीके से आपका प्लान बहुत सही तरीके से बना हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो किसी को समझाना मुश्किल ना हो उसके लिए पहले आपको समझ में आना चाहिए कि प्लान क्या है और उसको बहुत सिंपल रखिए प्लान को बहुत सिंपल रखिए और प्लान को सिंपल रखने के साथ अपने ऑडियंस को अपने साथ एंगेज एंगेजमेंट में रखिए उनसे सवाल जवाब पूछते रहिए कि आपको ये समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा कोई सवाल है जवाब है आप उनको सवाल जवाब भी उनके साथ करते रहिए शो द प्लान एक बिजनेस का सबसे सफल स्टेप है आप मुझे बताइए कई बार क्या होता है आप में से कितने लोगों को कितने लोग यहां पर हैं जिन्होंने सौ लोगों की ना झेली है कि मैं ये बिजनेस मैंने शुरू किया और सौ लोगों ने मेरे को बिजनेस शुरू करते ही मना कर दिया कितने लोगों ने ना सुनी मैं सौ नहीं चलो दस लोगों की बात करता हूं दस लोगों की ना सुनी है आपने जल्दी से बताइए कि मैंने इस बिजनेस को शुरू किया और दस लोगों ने ना कर दिया बहुत बढ़िया दस लोगों ने ना कर दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फिर क्या किया आपने जब दस लोगों ने ना किया तो आपने क्या किया आपने फोन किया आपने आपने अपलाइन को सर कहा फंसा दिए है यहाँ तो सब मना कर रहे हैं आपने दस फोन अपलाइन को करे दस अगल अड़ोसी पड़ोसी को कर क्या कर दिया यार कहा फंसा दिया है कौन सा बिजनेस है सब मना कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा है कोई सब नेगेटिव बात कर रहे हैं सब कह रहे हैं मैं फंस गया हूं मैं गलत जगह आ गया हूं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं और फिर जब आपने अपलाइन को फोन किया तो अपलाइन ने आपको मोटिवेट किया कि ऐसा होता है ऐसा चलता है इस बिजनेस का रूल है इस बिजनेस में आ, नेगेटिव लोग ज्यादा है और आप कंटिन्यू करते रहो लॉ ऑफ एवरेस्ट पे काम होता है बट ऑफिस बिल्कुल सही बात है और आप फिर आगे बढ़ते हो और आप आगे बढ़कर अपनी लिस्ट पे काम करते हो आप पचास लोगों से मिलते हो और पचास लोगों ने फिर ना बोल दिया यानी अभी पचास लोगों ने आपको ना ही बोल दिया कि नहीं तुम गलत जगह फंस गए हो बेकार कंपनी है भाग जाएगी कुछ नहीं होता है सब लोग झूठ बोलते हैं कोई सपना पूरा नहीं होता है काम करते रहोगे कुछ नहीं होगा ऐसा आपको पचास लोगों ने फिर बोल दिया फिर क्या करोगे आप फिर क्या करोगे आप नेक्स्ट को दिखाएंगे नहीं सर क्या करेंगे क्या करेंगे पचास लोगों ने साफ मना कर दिया ओके okay, प्रोस्पेक्ट का साइको पता करना अच्छा कैसे पता करेंगे पचास लोगों ने तो ना कर दिया आपको अब क्या करेंगे दस पहले मना कर चुके पचास अब मना कर दिया फिर आप क्या करेंगे फिर अपलाइन को फोन करेंगे अच्छा और ज्यादा मेहनत करना फिर अपलाइन को, को आप सुनाएंगे क्या असर ऐसा हो गया वैसा हो गया उसने ऐसा बोला इसने ऐसा बोला ये नहीं कंपनी में वो नहीं कंपनी में ये नहीं होता है वो नहीं होता है ये आ, नहीं हो पा रहा वो नहीं हो पा रहा है एक अर्जेंट तो आ, आ, हम अपने मनोबल नहीं तोड़ेंगे ओके क्या बात है चलो आपने मनोबल नहीं तोड़ा अपलाइन ने भी समझाया आप फिर सौ लोगों की लिस्ट बनाई और सौ लोगों से मिलने चलेगा और सौ लोगों ने फिर मना कर दिया तो फिर क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा सोचिए सौ लोगों ने फिर मना कर दिया फिर प्लान दिखाना पड़ेगा हजार लोग क्यों नहीं बोल झटक हमारा बोले जटाक हमारे जैसा सोच रखने वाला न मिले जब तक हमारा सपना पूरा नहीं तब तक प्लान दिखाना चाहिए ओके मैं आपको बताता हूं जब ऐसा होगा तो आप फिर कहोगे कि भैया नमस्ते मैं नहीं काम करूंगा मुझे और कोई और काम करना शुरू कर दूंगा और यकीन मानिए यही होता है यकीन मानिए यही होता है आप कितना भी बोल रहे आपको डेढ़ सौ लोगों ने बिजनेस में ना कर दिया कोई हाँ ही नहीं करता तो उनमें से नाइन्टी परसेंट लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं जो दस परसेंट उस ना को समझ पाते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वो दस परसेंट लोग ही इस बिजनेस में सफल हो पाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो मैंने अपने दिमाग में पहले से तैयार कर लेना है कि मुझे कितनी ना सुननी है मुझे कितने लोगों की ना सुननी है मैं हां सुनने नहीं जा रहा हूं मैं कितने लोगों की ना सुनने जा रहा हूं ये आपकी सफलता का एटीट्यूड रहेगा आप सफल हो जाएंगे यकीन मानिएगा आप हाँ के लिए मत जाएगा आप ना के लिए जाइएगा मेहनत पूरी करूंगा लेकिन ये ना बोलेगा जिस दिन वो हाँ बोल दिया आप समझ लो कि आपका बिजनेस सफल हो गया राइट right? तो इम्पोर्टेंट क्या है यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि इस बिजनेस में सफल होने की इम्पोर्टेंस क्या है कि आपको शो द प्लान करना है शो द प्लान में आपको क्या एटीट्यूड लेकर के जाना है और होता क्या है, जब आप कोई शर्ट खरीदने जाते हो ना किसी दुकानदार के पास आप लोग शर्ट खरीदने गए होंगे साड़ी खरीदने गए होंगे, सूट खरीदने गए होंगे राइट जब दुकानदार आपको जब आप कहते हो कि शर्ट दिखा दो मुझे तो क्या करता है वो एक शर्ट दिखाता है और बैठ जाता है नहीं वो कई सारी शर्ट्स दिखाता है आपको कई सारी शर्ट्स दिखाता है और तब तक शर्ट्स दिखाता है जब तक आपको पसंद ना आ जाए राइट और बताता रहता है ये शर्ट में एक एक इसमें कपड़ा ऐसा है इसमें वो, अच्छा, वो तब तक आपको शर्ट दिखाता है तब तक जब तक आपको पसंद ना आए और लेकिन फिर भी अगर आपको शर्ट पसंद नहीं आती है आप चले जाते हो उस दुकान से तो क्या करता है अपनी दुकान बंद कर देता है नहीं वो दूसरे कस्टमर का इंतजार करता है राइट वो अपनी दुकान बंद नहीं करता है कई लोग क्या करते हैं सौ ना मिली अपनी दुकान बंद दूसरा काम चालू जब आप दूसरे का नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे आप इस बिजनेस में जरूर सफल हो जाएंगे राइट right? तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप शो द प्लान शो द प्लान शो द प्लान शो द प्लान करते रहे राइट right? तो एस एल पी फॉर्मूला ये आपको uh, जब भी आप शोध प्लान करें अपने साथ अपने डाउनलाइन को जरूर रखें ताकि वो भी सीख पाए और जब वो अपने सीख करके प्लान करेंगे तो वो भी अपने डाउनलाइन को रखें ताकि वो भी सीख पाए क्लोज द सेल फॉलो अप ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैं क्या बताऊं ये सच बात स्ट्रेटी ये ये आंकड़ा मेरे सामने अपने आप ही आ गया कि फोर्टी लोग ऐसे हैं जो कभी फॉलो अप ही नहीं करते हैं पच्चीस परसेंट लोग ऐसे हैं जो सेकंड कांटेक्ट तक पहुंचते हैं बारह परसेंट लोग ऐसे हैं जो तीन कांटेक्ट तक पहुंचते हैं और सिर्फ दस परसेंट लोग ऐसे हैं जो तीन से ज्यादा तक के कॉन्टेक्ट तक पहुंचते हैं और उनमें से भी दो परसेंट लोग जो है वो एक फर्स्ट सेल से सेल से बना लेते हैं तीन परसेंट लोग ऐसे हैं जो सेकंड सेल पे सेल बनाते हैं पांच परसेंट लोग ऐसे हैं जो थर्ड कांटेक्ट से सेल बनाते हैं अस्सी परसेंट लोग जो ऐसे हैं जो पांचवें और बारहवें कॉन्टेक्ट से सेल बनाते हैं इसका कहने का मतलब यही है कि फॉलो अप फॉलोअप फॉलोअप फॉलो फॉर्मूला इस बिजनेस में सफल होने का फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही एक फॉर्मूला है जहां पर आप इस बिजनेस में सफल हो पाओगे राइट ये डेटा सच बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूँ और मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे रिटेलिंग हम लोग बहुत अच्छी करते हैं और मैं आपको बहुत एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ इस टॉपिक से थोड़ा हट के एट्टी सिक्स परसेंट लोग ऐसे हैं दुनिया में जो ये सोचते हैं कि मुझे आज ये प्रोडक्ट बेचना है मुझे आज एसपल्स बेचना है मैं इस डेटा के चक्कर में ये बात बता रहा हूँ ये बात इससे रिलेटेड नहीं है मैं बता रहा हूं मुझे याद आई है कि 86 परसेंट लोग ऐसे हैं कि जो ये सोच के घर से निकलते हैं कि आज मुझे एसपल्स बेचना है क्योंकि मुझे एसपल से फायदा हुआ है और एसपल्स मुझे पसंद है आगे वाले को चाहे नोनी की जरूरत हो चाहे सीबक्थोन की जरूरत हो मुझे मुझे उसे एसपल्स देना है चाहे उसे फेस वॉश की जरूरत हो चाहे उसे फेस क्रीम की जरूरत है, मैं उसको एसपल्स दे के आऊंगा ऐसा ही करते हैं आप कुछ सोचेगा आप जब घर से निकलते हैं आपके कुछ एक फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, आप उस फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में ही दूसरों से बात करते हो उसके अलावा बाकी तीन सौ प्रोडक्ट को छोड़ देते हो इंपॉर्टेंट बात मैं ये कह रहा हूं कि मुझे आज यह समझना पड़ेगा कि जो अगला बंदा मेरे सामने बैठा है उसकी जरूरत क्या है उसको आज के तारीख में क्या जरूरत है मैंने जिंदगी में आज तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदा है जो मेरी जरूरत का नहीं है मैंने आज तक पांच रुपए का एक पेन भी नहीं खरीदा कि वो मेरे लिए जरूरी नहीं है तो मैं खरीद लू जरूरी है तब मैं खरीदता हूं या कोई भी व्यक्ति तभी खरीदता है जब उसकी जरूरत होती है और अगर मैं अपनी प्रोडक्ट को उसकी जरूरत के हिसाब से दे दूं तो मेरे से आज अगर फेस वॉश ले रहा है तो कल को एस्पल्स भी लेगा सी बक्थॉन भी लेगा नोनी भी लेगा हर एक प्रोडक्ट लेगा बस आज के दिन मुझे अपनी अपनी जो ग्रीड है अपनी जो लालच है उसको रोक करके उसको वो देना है जो उसकी जरूरत है तो ये इससे थोड़ा हटके था सेल्स पे बात कर रहा था मैं इसके बारे में भी बात करूंगा आगे वाले प्रेजेंटेशन पे तो छठा स्टेप है यूज एस एस पी एल प्रोडक्ट्स यूज द टूल्स पहले तो खुद बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता ये बात बिल्कुल सच है तो आपको खुद एस एच पी एल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा खुद एस पी एल प्रोडक्ट्स के टूल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो टूल्स हैं जूम की कॉल है वीडियोस uh, है पीपीटीज है हैं एप्लीकेशन हैं डैशबोर्ड है सेंट प्लान है, है तो बहुत सारे चीजें uh, हैं जो आप टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एस एच पी एल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सबसे पहले खुद करिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सभी ने कहानी सुनी होगी uh, शक्कर की कि जो गुरुजी जो बेटा बच्चा था शक्कर बहुत खाता था तो गुरुजी के पास गया गुरुजी ने जो उसका हल दिया वो यही था कि पहले खुद पे काम करना पड़ेगा उसके बाद किसी और को हमें सिखाना पड़ेगा या तो किसी और पे काम करने के लिए उसको मोटिवेट करना पड़ेगा तो पहले खुद पे इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है एंड सातवा स्टेप है आखिरी स्टेप है टेक द ओनरशिप ऑफ योर एस बिजनेस जो की सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद की ओनरशिप लेना जरूरी है खुद ओनर बनना जरूरी है कि ये मेरा बिजनेस है ये मेरा काम है ये मेरी दुकान है ये मेरी कंपनी है जब आपका ये एटीट्यूड हो जाएगा जब आपका ये ओनरशिप आपके अंदर आ जाएगी आप समझ जाइए बिजनेस आपके हाथ में है ये बिजनेस में आप सफल हो चुके हैं तो ओनरशिप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है टेक द ओनरशिप राइट तो अब पांच लॉज जो है वो डायट सेलिंग के क्या है मैं जल्दी से बताऊं लॉ ऑफ एवरेज लॉ ऑफ एवरेस्ट एवरेस की बात हम कर ही रहे थे ताश पे जो पत्तों की बात कर रहे थे इसके अलावा मैं लॉ ऑफ एवरेस्ट की बात बता दूं बहुत सिंपल सी बात है जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाई थी कि आप एक सिक्का लीजिए एक सिक्के को आप सौ बार उछालिए तो सौ बार उसका हेड नहीं आएगा कुछ ना कुछ बार टेल भी आएगा तो दुनिया का नियम है हाँ मिलेगी तो ना भी मिलेगी और ना मिलेगी तो हाँ भी मिलेगी तो दुनिया का कुदरत का ये नियम है जिसको ना आप चेंज कर सकते ना मैं चेंज कर सकता ना कोई और चेंज कर सकता तो लॉ ऑफ एवरेस्ट कहता है कि दस में से दो लोग दस में से तीन लोग और हो सकता है आपकी प्रेजेंटेशन आपकी लिस्टिंग अगर बहुत अच्छी है दस में से पांच लोग आपके साथ बिजनेस पे जरूर आएंगे राइट right? बस इंपॉर्टेंट है list, आपकी लिस्ट आपकी प्रोस्पेक्टिंग आपकी इनविटेशन का तरीका और आपका प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए राइट अह डिलेड ग्रैटिफिकेशन कई बार ऐसा होता है अह uh, कि हम अह uh, मैं आपको बता दूं ये कहावत बहुत अच्छी है ही कहा भी किसी बड़े अच्छे इंसान ने है थमस एडिशन ने जिन्होंने बल्ब का इजाद किया है उन्होंने क्या कहा कि कई बार हम अपनी मंजिल को तब छोड़ देते हैं जब अगले ही कदम पे मुझे सफलता मिलने वाली होती है हमें सफलता मिलने वाली होती है हम उससे पहले ही कंपनी को छोड़ देते हैं उस क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं होता हमारे पास विल पावर नहीं होती इस कारण से हम और और बिजनेस को छोड़ देते हैं क्योंकि अगर थोड़ा सा एक कदम और ले लेते तो हम सफल हो जाते और ये 99 परसेंट लोगों की आदत है तो इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस में करते रहिए डिले हो रहा है कोई बात नहीं है लॉ ऑफ एवरेज कम हो रहा है कोई बात नहीं सबका लॉ ऑफ एवरेज भगवान ने अलग अलग बना रखा है तो अपने सेल्फ कंट्रोल वेल पावर मोटिवेशन फोकस पेशेंस डिसिप्लिन हार्डवर्क के साथ आप काम करते रहिए आप सफल जरूर होंगे ये भी इस बिजनेस का लॉ है ये कहानी आ, मैं आपको सुनाऊंगा वक्त कम हो चला है तो वक्त के बाद बात करेंगे फिर अगली बार जरूर इस कहानी की बात बात करेंगे तो आ, अगर आपको इस बिजनेस में आ, आगे बढ़ना है तो तीसरा लॉ है टू अर्न न अगर आपको आ, कमाई करनी है पैसे कमाने हैं तो आपको लर्निंग भी करनी पड़ेगी और लर्निंग का बहुत सिंपल सा तरीका है कोई भी सीख सकता है कोई भी बिजनेस को कर सकता है बहुत सिंपल सा तरीका है लॉ ऑफ रिपीटेशन रिपीट करिए कोई एक चीज एक बार में समझ में नहीं आ रही दस बार बीस बार सौ बार एक बार में नहीं आ रहा सो प्रोस्पेक्टिंग रिपीटिशन रिपीटिशन हर एक चीज का लॉ है सफलता का राज है रिपीटिशन लर्निंग का राज है रिपीटिशन लॉ ऑफ रिपीटिशन याद कर लीजिए लिख लीजिए अपने माइंड में अगर मुझे किसी ने ना बोला मैं रिपीट करूंगा अगर मुझे सीखना है मैं रिपीट करूंगा मेरे को लिखना है मैं रिपीट करूंगा तो आप अगर इस में सफल होना चाहते हैं टू अर्न यू मस्ट लर्न सीखना जरूरी है राइट right. तो आ, आ, कहता है कि इट्स ए टीम वर्क बट ऑब्वियस है कि आ, आपको अपनी टीम के साथ मिलकर के काम करना है और अपने साथ साथ अपनी टीम में भी लीडर्स को खड़े करना है पहले खुद तो मुझे सीखना है सीखने के साथ साथ मुझे ऐसे लोग भी तैयार करने हैं जो मेरी तरह सीख करके अपने आगे इस टीम को बढ़ाएंगे तो मुझे लीडर्स तैयार करने बहुत ज्यादा जरूरी है आप क्विट मत करें ये बात मैं कह चुका हूँ कि कई लोग नाइनटी नाइन परसेंट लोग क्या होता है कि जब सफल होने वाले तो उससे पहले ही कदम छोड़ देते हैं तो नेवर नेवर ने कभी इसके लिए कहानी भी आपको बहुत अच्छी सुनाऊंगा के ऊपर क्या कहानी है लेकिन अभी वक्त हो चला है तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि वक्त भी काफी हो गया है बारह ग्यारह पेशेंस पेज इन पेशेंस कॉस्ट तो सब्र जो है का फल मीठा होता है ये आप सभी को पता है तो समरी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर हमने आज क्या क्या देखा हमारे पास गोल होना चाहिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल लिस्ट होनी चाहिए उसको क्वालिफाई करने के लिए गोल को पूरा करने के लिए इन्विटेशन कैसे करना है हमको पता होना चाहिए शो द प्लान शो द प्लान कैसे करना है हमें पता होना चाहिए फॉलो अप बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करना है टूल्स को इस्तेमाल करना है टेक ओनरशिप इस कंपनी के ओनर बन करके हमें काम करना है और हमने पांच लॉस देखिए लॉ ऑफ एवरेज डिलीट क्रिटिफिकेशन टू ऑन यू मस्ट लर्न इट्स द टीम वर्क और नेवर 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 क्विट तो इस फेज दिस को नहीं छोड़ना है तो तो एक बड़ी अच्छी जिमरोन की कहावत है सेइंग है कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से प्लान नहीं करेंगे तो कोई और अपने आपकी लाइफ को अपने हिसाब से प्लान कर लेगा तो अपने प्लानिंग शुरू करिए और अपने सक्सेस को अपने सपनों को पाना पाने के और करीब चाहिए सो आर यू रेडी अगर आप तैयार हैं तो आप एस में पी एल में सही करके फिर से प्रोस्पेक्टिंग शुरू करिए अच्छे से शुरू करिए इस बिजनेस में सफल होइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन यहीं तक था उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा अगर अच्छा लिखा लगा आपको तो यस लिख करके जरूर भेजिएगा फिर आपसे मुलाकात करेंगे इसी तरीके से अगले सेशन में अगले वेबिनार में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए मस्त रहिए स्वस्थ रहिए थैंक यू आप सबका इतनी देर तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू